वेल 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 हेलो मित्रों तो क्या आप भी गए हैं कन्फ्यूजिया और आपका भी फ्यूज गया है उड़िया लेट कॉन्स्ट और वार के अंतर को समझने में क्या आपकी भी फ्यूज में आ रही हैं दिक्कतें तो हम आपका फ्यूज आज कर देंगे सही क्योंकि शिवम है इधर तो जाओगे किधर और, और स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा इंडिया में आप देख रहे हैं पढ़ेगा इंडिया तो चलिए बहुत लोग कन्फ्यूज यहाँ जाते हैं कि जो लेट में क्या अंतर है वार में क्या अंतर है और कॉन्स्ट में क्या अंतर है लोग अच्छे से बता नहीं पाते हैं तो हम आपको आज अच्छे से प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल दे के सारा चीज़ समझाएंगे कि, कि किसका क्या मतलब होता है ठीक है ना तो नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए हम आ, आ जाते हैं अपने कल्लू मिया टर्मिनल पे तो ये आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे गिटहब पे और इसका लिंक नीचे में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम नया फाइल बना लेते हैं इस फाइल का हम नाम धरने वाले हैं धारणी नहीं 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 इसका नाम हम रखते हैं सबसे पहले वार आया था वार लेट फिर उसके बाद लेट और कॉन्स जो है वो ई एस सिक्स में आ, 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 इंट्रोड्यूस कराए गए थे तो ठीक है एनवी में हम अपना खोल लेते हैं नियो विम बाबू नियो विम बाबू नियो विम बाबू ओके 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 हम्म तो सबसे पहले चलिए हम लिखते हैं कि नहीं नहीं अब वार की तो मेरे को मैं कहीं वार लिखता ही नहीं हूँ कहीं कबाल आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो यहाँ देखिए हम ऐसे जो वेरिएबल का यूज़ करते थे वो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते थे एज़ यूज़ल जैसे कि जो हमारा नेम डाल देते हैं नेम इक्वल्स टू पढ़ेगा इंडिया ठीक है ना तो ये हम इसमें एक, एक स्ट्रिंग असाइन कर दे रहे हैं ठीक है ठीक है और यहाँ पे हम इसे कंसोल लॉक करके देखते हैं तो नेम जो है इस तरह से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं ऑल राइट एंड इफ वी रन दिस लेट कॉन्स्ट डॉट जे एस तो ये देखिए ये हमारे पास पढ़ेगा इंडिया का सिंबल आ चुका है आ गया ना पीछे भी लगा हुआ है तो यहाँ पे अब आइए देखिए कि अब इसको हम अगर फिर से क्या करते हैं कि वेरिएबल और नॉर्मली आप इसमें कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं फिर अगर हम चाहे तो इसको नेम को इक्वल्स टू यहाँ पे हम चिंटू कर सकते हैं ठीक है तो मतलब हमने री असाइन कर दिया तो यहाँ पे देखिए यह अब चिंटू आ रहा है तो वेरिएबल री असाइन हो गया मतलब कि हमने इसमें पढ़ेगा इंडिया था लेकिन अब हम इसे चिंटू बना दिए ठीक है तो और हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम इसे फिर से रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं समझे बहुत 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 आसान है वो यहाँ पे फिर से अगर मैं लिख देता हूँ वार और फिर देखिए फिर भी यही आया तो ये एक फ्लॉ है और एक चीज़ यही सेम चीज़ अगर हम लेट में देखें तो ये चीज़ अगर लेट में हम करते हैं तो लेट देखिए लेट चिंटू का स्कूल कौन सा है चिंटू पढ़ता है छोटी सफ़ेद टोपी में जी हाँ जी हाँ जी हाँ छोटी सफ़ेद टोपी में चिंटू पढ़ा करता था उसी से ग्रेजुएशन किया है चिंटू ने तो यहाँ पे अब अगर मैं क्या करूँ कि इसको सेम चीज़ को मैं फिर से डिक्लेयर करूँ यहाँ पे आके तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास एरर आ जाएगा छोटी सफ़ेद टोपी ले ठीक है अब बड़ी सफ़ेद टोपी कर देते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा और हम इसे अब लॉक कराते हैं पहले ही एरर आ जाएगा स्कूल को अगर हम लॉक करा रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या आ गया आइडेंटिफायर स्कूल हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड मतलब कि ये एक बार हमने इसे डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया कुछ नहीं हो सकता इसके बाद ठीक है समझ गए और अगर हम हमें इसे मॉडिफाई करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं यहाँ से हम इसमें ये निकाल सकते हैं लेट निकाल सकते हैं तो ये अब काम कर जाएगा देखिए यहाँ पे बड़ी सफ़ेद टोपी आ गया है लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि हम फिर से इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते जैसे हमने वार यहाँ लिखा और यहाँ भी लिखा तो ठीक है ये एक डिफरेंस आया आपको जो मेन डिफरेंस है और कौन्स्ट में देखिए कि क्या होगा अब हम कौन्स्ट में आते हैं कौन्स्ट अ, सिटी चिंटू कौन से शहर में रहता है कौन सा सिटी तेरी कौन सा शहर कहाँ से आया है चिंटू बन के सबका लहर कुछ भी ओके तो चिंटू कहाँ रहता है झोपड़पट्टी में ठीक है झोपड़पट्टी कोई नहीं चिंटू को गुजरात भेज देते हैं चलिए सूरत में रहता है चिंटू और यहाँ पे अगर हम ट्राई करें कि ऐसे तो ये काम करेगा सिटी हम देखते हैं यहाँ पे तो चिंटू की सिटी हमें यहाँ मिल रही है सूरत में है चिंटू भैया अभी हम सूरत से अब चिंटू भैया को अगर चाहते हैं कि बाद में चिंटू भैया कहाँ चले जाएं सूरत से मुंबई चले जाएं सपनों की नगरी में बॉम्बे बॉम्बे यही स्पेलिंग होता है ना तो आप देखिए क्या कारनामा होता ओ री असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल मतलब कि जो है हम कांस्टेंट एक बार हमने लिख दिया तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं ये चीज़ सिर्फ वेरिएबल के साथ ही अप्लाई होगा वेरिएबल नंबर वगैरह जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और जो आप अगर इसे अरे बना देते हैं चिंटू के लाइक जो भी नंबर होंगे वो सब आप अगर कर दीजिएगा तो दैट विल वर्क अरे और ऑब्जेक्ट के साथ कांस्टेंट में तो और यहाँ पे देखिए और ये हमने देख लिया कि किसे हम बार बार रीडिक्लेयर कर सकते हैं बार को हम जितना चाहे उतना बार यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते जाएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो और लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होगी क्या वार में बार बार यही जरूरी है और लेट में हम डिक्लेयर कर सकते हैं फिर से यहाँ पे आप देखिए कि हम असाइन कर दिए स्कूल को हम बड़ी सफ़ेद टोपी बना दिए फिर भी ये काम कर गया लेकिन सेम चीज़ जो है वो कौन्स्ट में नहीं काम किया ठीक है ऑल राइट right. तो कौन्स्ट का ये मतलब हो जाता है और लेट का भी हम आपको यहाँ फिर से कर देते हैं इस, आ, मीडियम सफ़ेद टोपी क्या है? साल लगा मित्रो हाँ तो ये हो गया हमारा जो डिक्लेरेशन का है तो अब स्कोपिंग की बात हम करते हैं तो सब में स्कोपिंग और होस्टिंग की ये प्रॉब्लम एक आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये देखिए कि अगर हमने वार को ऊपर डिक्लेयर किया है लाइक एक हम फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे लेट्स कम एंड से हाई टू लाइक like, यहाँ हम नीचे वेरिएबल बनाते हैं वार सिटी हो गया चिंटू की एज जो है चिंटू जो है छः साल का है अभी 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 जस्ट वो जन्मा है मम्मी के पेट से और उसके बाद जो है और और अगर हम इसको लॉग करके देखें कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ये देखिए ये होइस्टिंग मैं बता रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट में क्या करता है वो जो जावा स्क्रिप्ट इसको उठा के ऊपर डाल देता है उसी को हम होइस्टिंग बोलते हैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिक्स आ गया क्यों क्यों ऐसा क्यों लेकिन हमने तो इसे बाद में डिफाइन किया था और यही सेम चीज़ अगर हम इसमें लेट से कर ओ शेट यहाँ पे एज होगा और ये अनडिफाइंड दिखाएगा तो ये देखिए अनडिफाइंड आया तो ये क्या किया एक्चुअली जो है वो इसको ऊपर ले गया वेरिएबल को और यहाँ पे इसको अनडिफाइंड दे दिया ठीक है और फिर इसीलिए हमें ये आया और ये चीज़ अगर हम लेट या कॉन्स्ट में करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अगर लेट सिटी हो गया और क्या होगा चिंटू की गर्लफ्रेंड जी एफ इक्वल्स टू चिंटी ठीक है और इसको अगर हम कंसोल लॉक करते हैं तो यहाँ देखिए गर्लफ्रेंड कौन है भाई साहब की तो यहाँ पे ये देखिए क्या आ गया कैन नॉट एक्सेस जी एफ बिफोर इनिशियलाइजेशन तो होस्टिंग लेट और कॉन्स्ट में नहीं होती है समझे समझे ना और इसमें वार में होती है तो ये एक दूसरा डिफरेंस ये हो गया और अब दूसरी चीज़ पे आते हैं जो हो गया हमारा स्कोपिंग स्कोपिंग क्या होता है तो जैसे देखिए कि हमारा जो वार है वो फंक्शनल और ब्लॉक फंक्शनल और विंडो स्कोप्ड है मतलब कि हमने यहाँ ये यह वार को डिक्लेयर कर दिया तो अब कहीं भी ले इसे एक्सेस कर सकते हैं और लेट जो है यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट लाइक फंक्शन यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक राइट मित्रों तो अब आइए हम स्कोपिंग का देखते हैं कि क्या चक्कर है स्कोपिंग का तो यहाँ पे एक्चुअली जो वार होता है वो फंक्शनल और वो विंडो स्कोप्ड होता है मतलब कि अगर हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं इफ़ के अंदर तो जैसे इफ़ लेट सपोज इफ़ ट्रू uh, कुछ भी हम कर दे रहे हैं एक कंडीशन है इफ कोई नहीं जी एफ इक्वल्स टू चिंटी ट्रिपल इक्वल्स टू चिंटी एंड देन व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल क्रिएट एन अनदर वेरिएबल समझ रहे हैं वार चिंटी uh, नम इक्वल्स टू यहाँ पे हम चिंटी का नंबर दे देते हैं सिक्सटी नाइन सेवेंटी नाइन सिक्सटी नाइन ओके ठीक है तो ये चिंटी का नंबर हो गया और इसमें दिक्कत ये होगी कि आप चाह रहे हैं कि आपका वेरिएबल एक्सपोज ना हो तो यहाँ पे हम अगर कंसोल डॉट लॉग करते हैं क्या चिंटी का नंबर तो ये देखिए चिंटी नंबर हमें मिल रहा है और यहाँ पे अगर हम इसे लॉग करें तो ये देखिए चिंटी नम अनडिफाइंड होई 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 होई। लेकिन ये स्कोप में तो आ गया भाई साहब भाई साहब इज दिस कंडीशन ट्रू इसे हम अगर uh, अंदर भी रखते हैं और ट्राई इट ओके आई गेस चिंटी का जो है ये जीएफ GFE... अरे चिंटी नहीं ये चिटनी बन गई है <laughs> वही तो मैं सोचा चिंटी चिटनी कैसे बन गई मित्रों चिंटी ओके ओके ना इट विल वर्क ठीक है तो यहाँ देखिए चिंटी का नंबर हमें मिल गया तो ये एक चिंटी पे एक खतरा मंडरा रहा है कि चिंटी के अंदर वाले जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं और अगर ये सेम चीज़ हम इसमें इसमें सेम चीज़ जो हम यहाँ करते हैं अगर लेट में हम करते हैं चिंटू चिंटू नंबर चिंटू नाम इक्वल्स टू वन टू वन टू थ्री फोर वट एवर एंड यहाँ पे हम अगर कंसोल डॉट लॉग चिंटू नाम करते हैं तो ये देखिए अब का होगा ये देखिए अरे चिंटी नाम दो बार लिख दिए हम ये चिंटू नाम होगा ना चिंटू नाम ये आ गया हमारा चिंटू भैया का नंबर जी ऐसे नहीं बोलने का तो ये देखिए चिंटू नाम इज नॉट डिफाइंड तो ये जो होता है वही स्कोपिंग का खेल है ये आपको जो है ब्लॉक स्कोप्ड है और यही चीज अगर हम इसे एक फंक्शन में डाल देते हैं एक फंक्शन में हम इसे डालते हैं और इसे हम कॉल करते हैं लाइक लेट्स से लाइक वार के अंदर जो है वार चिंटी एड्रेस इक्वल्स टू तो कचड़ा बाग रोड टू जीरो वन ठीक है तो इफ वी विल ट्राई हियर टू गेट द चिंटीज एड्रेस लेट्स सी व्हाट हैपेंस कंसोल डॉट लॉग चिंटी एड्रेस तो यहाँ पे हमें फिर से वो अनडिफाइंड मिलेगा तो ये होस्टिंग तो हो ही रहा है इसमें कि ये जा जा के सबको टॉप में डिक्लेयर कर दे रहा है लेकिन अभी इसमें देखिए क्या होगा क्या होगा जल्दी बताइए क्या होगा तो ये देखिए ओके फंक्शन रिक्वायर्स अ फंक्शन कोई नहीं एरो फंक्शन हम इसे बना लेते हैं कॉन्स्ट चिंटी एड्रेस कुछ भी हम ऐसे कर देते हैं ठीक है ना इसी तरह से बनता है ना ओ नो 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 आहा तो यहाँ देखिए चिंटी एड्रेस इज नॉट डिफाइंड जी हाँ तो ये फंक्शनली यहाँ पे इसमें होस्टिंग नहीं हुआ इसमें हम इसी फंक्शन के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं तो ये तीन डिफरेंस जो हैं गाइज़ वो आपको आई गेस कि अब समझ आ गए होंगे और आपका फ्यूज आपके जगह पर आ चुका होगा तो ये बहुत बेसिक चीज़ें थी और लेट कॉन्स्ट में आप बस अंतर समझ जाइए कि कॉन्स्ट इज कॉन्स्टेंट लेट इज हमने माना एक्स माने सेक्स ओके और और क्या कर सकते हैं और कुछ नहीं बस यही जो है मेन की डिफरेंसेस यही है गाइज होस्टिंग हो रहा है वार के अंदर जो भी हम डालते हैं वो ऊपर आ जाता है और अनडिफाइंड असाइन हो जाता है वो चीज़ लेट और कॉन्स्ट के साथ नहीं होती है वारियबल को हम फिर से रीडिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे जैसा हमने देखा कि हम वार फिर से नेम कर सकते हैं लेकिन अगर हम ऐसा स्कूल के लिए करते हैं लेट में तो ये गड़बड़ी हो जाएगी और कॉन्स्ट के लिए भी सेम है एक बार डिक्लेयर कर दिया लिख दिया तो उसमें फिर से हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं रीअसाइन मतलब प्लस प्लस भी नहीं कर सकते आई प्लस प्लस ठीक है तो आप जहां भी कि आप बाद में उस वेरिएबल को कभी अपडेट रीअसाइन नहीं कर रहे हैं तो आप वहां कौन यूज़ कीजिए अगर आप कहीं उस वेरिएबल को मॉडिफाई करने कर रहे हैं और वो प्रीमिटिव डेटा टाइप है मतलब स्ट्रिंग है नंबर है और बुलियन है तो उसके हिसाब से आपको जो है वो लेट यूज़ करना होगा ठीक है आई गेस इट्स ऑल क्लियर और अगर आप लोगों को इस सीरीज में नए आए हैं और आपको इस सीरीज का आनंद उठाने को मिल रहा है तो लाइक मत कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए घंटा दबा दीजिए तो मित्रों बस ठीक है अब कोई भी आपको क्या क्वेश्चन है नीचे आप हमें कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा और नई वीडियोस आएगी जल्दी आएगी बहुत चीजें आ रही हैं तो आप लोग स्टे ट्यून्ड एंड आप हमें सपोर्ट दिखाइए नीचे वो ज्वाइन वाला बटन उसे दबाइए भाई साहब बहुत सस्ते में हम आपको पर्क्स दे रहे हैं और इट्स अ ग्रेट वे टू शो सपोर्ट टू योर फेवरेट क्रिएटर पढ़ेगा इंडिया जी हाँ जी हाँ क्या बोलते जी और आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा दिस इज योर क्रिएटिव बॉय साइनिंग ऑफ सेवम इज नॉट योर एंड बाय बाय गुड नाइट टाड़ा